तो हालात कितने ज्यादा खतरनाक, खौफनाक और दहशत भरे होने वाले हैं इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे। लेकिन रूस यूक्रेन पर हमलावर है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन भी पुरजोर तरीके से रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के हर शहर से सिर्फ तबाही की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि वो 10 तस्वीरें जो यूक्रेन में फैली तबाही की गवाही देती है आपको नजर आएंगी। युद्ध की पहली तस्वीर, रूस का बम नाकाम। कीव में यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने रूस के एक जिंदा बम को धमाका कर नाकाम कर दिया। ये बम इतना ताकतवर था कि उसके फटते ही जोरदार विस्फोट हुआ और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। रूस की ओर से की गई बमबारी में डोनेस्क में मौजूद हाउस ऑफ कल्चर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद यहां आग लग गई जिसमें हाउस ऑफ कल्चर जलकर खाक हो गया। यूक्रेन को रूस से लड़ाई में मदद करने के लिए अमेरिका लगातार हथियारों की खेप दे रहा है। अब अमेरिका ने जॉर्जिया के रास्ते यूक्रेन के लिए अपने लड़ाकू टैंक भेजे हैं। यहां अमेरिकी सैनिक इन टैंकों को यूक्रेन भेजने के लिए ट्रकों पर चढ़ाते दिखाई दिए। यूक्रेन के लिमान में महिलाएं ज़ेलेंस्की से अपने पतियों को अज़ोवस्तल में रूस के कब्जे से छुड़ाने के लिए अपील करती दिखी। यहां उन्होंने पोस्टर दिखाकर ज़ेलेंस्की से यूएन को पत्र लिखकर उनके पति को छुड़ाने की अपील करने को कहा। Зверніться офіційно до представників ООН та внесіть в списки наших поранених військовий гарнізон. यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 3 टैंक पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, साथ ही कई बख्तरबंद गाड़ियों पर भी हमला करके उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। रूस ने यूक्रेन के हॉस्पिटल में मिसाइल से हमला कर उसे खंडहर में तब्दील कर दिया। हमले के बाद लगी आग में अस्पताल का सारा सामान जलकर खाक हो गया। रूस ने खार्किव में एक इमारत पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जिस इमारत पर यह हमला हुआ वो एक रिहायशी इमारत थी, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमलों से इमारत खंडहर में बदल गई। रूस के हमलों में मारियोपोल शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। यहाँ रूस ने कई ऐतिहासिक इमारतों को भी बम धमाके कर खंडहर में तब्दील कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को हवाई हमला कर उड़ाने का दावा किया।
रूस ने हेलीकॉप्टर से हमले का वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसने यूक्रेन की एक कमांड पोस्ट पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर उसे खत्म कर दिया। रूस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसके टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। रूस ने टैंकों की मदद से एक के बाद एक कई हमले कर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया।